गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितनंग प्रकाश, और आज फिर हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर। इसमें आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है मानव हृदय की रचना एवं कार्यविधि। दिनांक 29/6, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, कक्षा 8B, कालांश 3rd, और अवधि 35 मिनट। इसके सामान्य उद्देश्य हैं: छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, दूसरा छात्रों को निरीक्षण परीक्षण तर्क एवं तथा मनन आदि व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना, अगला शारीरिक क्रियाओं का वैज्ञानिक परिचय देकर छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अगला छात्रों में निरंतर परिश्रम करने की आदत करना, अगला छात्रों को वैज्ञानिक नियमों का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना जिससे वे जीवन में लाभ उठा सकें। इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं: छात्रों को मनुष्य की रक्त परिभ्रमण क्रिया का ज्ञान प्राप्त कराना, सहायक सामग्री हृदय की रचना का चार्ट, दूसरा रक्त परिभ्रमण का मॉडल, और तीसरा कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान: छात्र जानते हैं कि मनुष्य में रक्त परिभ्रमण की क्रिया हृदय द्वारा होती है। जो तक हम शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं, तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण के आधार पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है कि यदि हमारे शरीर में चोट लग जाए या किसी अंग में चाकू लग जाए तो उस अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चोट लगने पर या चाकू लगने पर से हमारे शरीर से रक्त निकलने लगता है। दूसरा प्रश्न, शरीर के इस चोट लगे हुए भाग में रक्त कहाँ से आता है। तो हृदय से रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त चोट लगे भाग में आता है। अगला प्रश्न, शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। तो हृदय सीने में कुछ बाईं और दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। अगला प्रश्न, हृदय के क्या कार्य होते हैं। यह रक्त का संचार पूरे शरीर में करता है। अगला प्रश्न, रक्त परिभ्रमण की क्रिया हृदय में किस प्रकार होती है। यह समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम मनुष्य के हृदय द्वारा रक्त परिभ्रमण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमने कथन विधि के माध्यम से बोला। अब इसका नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण जो है, छात्र अध्यापक छात्रों को मानव हृदय का चार्ट दिखाएगा और प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करेगा। तो हमारा इसका पहला शिक्षण बिंदु है हृदय की रचना। तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर से प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसको हम प्रत्यास्मरण कहते हैं। कि पहला प्रश्न, छात्रों को चार्ट दिखाकर हृदय की रचना को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हृदय की रचना को हम चार भागों में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न, इन चारों भागों के क्रम से क्या क्या नाम है। दायां लिंद, बायां लिंद, दायानिलय, बायानिलय, ये चारों भागों के नाम हैं। अगला प्रश्न, दायां अलिंद बायां अलिंद से किस रचना द्वारा अलग होता है। तो दायां अलिंद तथा बायां अलिंद आपस में एक दूसरे से अंतरा अलिंद पट्टी के द्वारा अलग होते हैं। अगला प्रश्न, इसी प्रकार दाहिने निलय से बायां निलय किस रचना द्वारा अलग रहता है। तो दाहिना निलय तथा बायां निलय अनुदैर्ध्य अंतर निलय पट्टी द्वारा अलग अलग रहते हैं। अगला प्रश्न,
दाएं अलिंद में गोलाकार रचनाएं क्या हैं? तो इसमें छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं। ये देखिए, ये प्रश्नोत्तर के लिए चार्ट है जो पूछा है। तो इसका छात्र अध्यापक कथन व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से इसका नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण कि हृदय मनुष्य के शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह संपूर्ण चार भागों में बटा होता है। यह निम्न है: दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। यह चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दायां अलिंद अंतरा अलिंद पट्टी के द्वारा बायां अलिंद से अलग होता है तथा दायां निलय अनुदैर्ध्य अंतर्निलय पट्टी के द्वारा बायां निलय से अलग होता है। दायां अलिंद में गोलाकार रचनाएँ ट्राइकस्पिड वाल हैं और हृदय के दाहिने अलिंद में अग्र तथा पक्ष महासिराएँ अपने अपने छिद्रों द्वारा खुलती हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये देखिए, राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये चार पार्ट हैं और ये पक्ष महासिरा हैं जो इसमें खुलती हैं। अग्र और पक्ष महासिराएं किस में खुलेंगी? इसी में खुलेंगी। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे कि हृदय को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु पे आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है हृदय की क्रिया। तो इसको भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रत्यक्षमण के आधार पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिससे छात्रों के समक्ष इसका अच्छे से शिक्षण बिंदु का अच्छे से विस्तार हो सके, उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, हृदय में अलिंद और निलय के अलावा क्या क्या होता है? तो हृदय में अलिंद और निलय के अलावा धमनी और महासिराएं होती हैं। अगला प्रश्न, हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका वजन 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, हृदय का आकार कैसा होता है? इसका आकार 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन से क्या अभिप्राय है? तो छात्र निरुत्तर। छात्रों को ये तो पता होता है कि हृदय धड़कता है, लेकिन कैसे धड़कता है इसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे छात्र निरुत्तर हैं। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। तो हृदय में धमनियों एवं सिराओं के माध्यम से रक्त पहुँचता है और इसमें ऑक्सीजन भी जाती है। हृदय में संकुचन एवं प्रसार की क्रिया होती है, जिससे दाब उत्पन्न होता है और रक्त आगे की ओर धकेल दिया जाता है। इसकी मांसपेशियों में संकुचन एवं प्रसार की क्रिया होती है, जिससे हृदय में धड़कन उत्पन्न होती है। तो ये नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण था। छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो ये देखिए कि डायस्टोल और सिस्टोल, यहाँ पे तीसरा जो तीसरे नंबर का चार्ट है उसमें डायस्टोल सिस्टोल दो पार्ट पोर्शन दिखाए गए हैं। डायस्टोल में क्या है? इसमें प्रसार होगा। और सिस्टोल में क्या है? इसमें संकुचन होगा। ठीक है, डायस्टोल में देखिए आपकी हृदय फूला हुआ है और इसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ है। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा करेंगे कि हृदय कैसे धड़कता है। तो अगला शिक्षण बिंदु है हमारा रक्त का संचरण। तो इसको भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रत्यक्षमण के आधार पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, हृदय के सिकुड़ने तथा फैलने से क्या प्रतिक्रिया होती है?
तो इसके सिकुड़ने व फैलने से धड़कन की प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, दाब उत्पन्न होने से हृदय में क्या होता है? तो दाब उत्पन्न होने से रक्त आगे की ओर धकेल दिया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त से भरा ब्लैडर दबाने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इस रक्त से भरा ब्लैडर दबाने पर रक्त आगे की ओर बढ़ गया। अगला प्रश्न, ब्लैडर से लगी नली द्वारा यह रक्त हृदय के कौन से भाग में पहुंच गया? तो यह दाहिने अलिंद में पहुंच गया है। अगला प्रश्न, ब्लैडर को थोड़ा दबाते हुए दाहिने अलिंद से रक्त हृदय के कौन से भाग में पहुंच गया? ये दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में पहुंच गया। अगला प्रश्न, दाहिने निलय से यह रक्त फेफड़ों में किस महासिरा द्वारा जाता है? तो दाहिने निलय से रक्त पल्मोनरी महासिरा द्वारा फेफड़ों में जाता है। अगला प्रश्न, फेफड़ों में रक्त का क्या होता है? छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र इसके बारे में ज़्यादा अस्पष्ट उत्तर देते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन व्याख्यान तथा प्रदर्शन व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा कि शरीर में रक्त दाहिने अलिंद में जाता है और दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में जाता है तथा दाहिने निलय से पल्मोनरी महासिरा में जाता है और पल्मोनरी महासिरा से फेफड़ों में जाता है। यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में जाता है तथा बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और रक्त का संचरण होता है। तो ये देखिए कि ये जो है ऑक्सीजन ब्लड टू अपर बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अपर बॉडी, ये हमारी पल्मोनरी वेन है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाएगा? लंग में जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग से, जो शुद्ध हुआ ब्लड है यानी प्योर ब्लड, वो वापस लंग से आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लोअर बॉडी, ये आर्टरी है, जो आर्टरी है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी में सर्कुलेट करेगी। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी, ये लोअर बॉडी से कलेक्ट करेगी ये पल्मोनरी वेन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये भी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यानी आर्टरी में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये किसमें जाएगा? ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी, ये अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस अपर बॉडी में जा रहा है। तो सैंपट सारांश, छात्र अध्यापक हृदय के तीनों शिक्षण बिंदु श्यामपट पर उतारेगा। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लेखन कौशल में आता है, तो छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट कार्य उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेगा और उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। यह आज का श्यामपट सारांश है। गृह कार्य जो कि अभ्यास कार्य में आता है, तो उसमें हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। छात्र गृह कार्य घर से करके लाएंगे। तो ये था हमारा आज का शिक्षण प्लान, जीव विज्ञान शिक्षण का शिक्षण प्लान, मानव हृदय की रचना एवं कार्यविधि। इस पर तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।